विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष अंबादास दानवे को 5 दिनों के लिए निलंबित कर दिया है। राज्य विधानमंडल का मानसून सत्र मुंबई विधान भवन में चल रहा है। इसी सत्र के दौरान 1 जुलाई को विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष अंबादास दानवे और विधायक प्रसाद लाड के बीच बहस हो गई थी और उस वक्त विपक्षी नेता अंबादास दानवे ने विधायक प्रसाद लाड के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया था। इसके बाद सत्ता पक्ष द्वारा अंबादास दानवे के इस्तीफे की मांग होने लगी। अंबादास दानवे को कल 5 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया है। अंबादास दानवे के खिलाफ की गई कार्रवाई के खिलाफ शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट आक्रामक हो गया है। छत्रपति संभाजीनगर शहर के क्रांति चौक पर उद्धव बाला साहेब ठाकरे समूह के पदाधिकारियों ने एकजुट होकर राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में ठाकरे गुट के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट। ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर, जो नागपुर का पहला और एकमात्र NABH द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पताल है। देश के पहले 50 अस्पतालों में से NABH द्वारा पुनः प्रमाणित ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल है। गत 25 से अधिक सालों से मध्य भारत का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के रूप में यह अस्पताल प्रसिद्ध है। सभी कैशलेस इंश्योरेंस सेवाएं, साथ ही सभी प्रकार की कॉरपोरेट सेवाएं भी उपलब्ध है। इस अस्पताल में महाराष्ट्र शासन की महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के तहत क्रिटिकल सर्जरी का मुफ्त इलाज भी किया जाता है। इसी प्रकार से हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक, ट्रॉमा, बर्न केसेस, कार्डियोलॉजी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज, न्यूरो सर्जरीज, पेडियाट्रिक सर्जरीज, यूरोलॉजी जैसे और भी क्रिटिकल केयर यूनिट है। इसके अलावा यह अस्पताल रेडियोलॉजी, एम्बुलेंस, फार्मेसी, आपातकालीन सेवाएं भी 24/7 प्रदान करता है।